हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन यहां पर कवर करेंगे, जिसमें एशियन गेम्स जो कि अभी इंडोनेशिया में हुए हैं, इनके बारे में जानेंगे। और जितना भी यहां से क्वेश्चन बनेगा, लास्ट में मैं 22 क्वेश्चंस बताऊंगा। उससे पहले आपको फैक्ट बताऊंगा कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एशियन गेम्स क्या होते हैं। देखो, बेसिकली हर एक चार साल के बाद में ये स्पोर्ट्स जो है खेला जाता है, और ये ओवर एशिया में खेला जाता है। जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको हम लोग एशियाड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। मल्टी स्पोर्ट्स का मतलब होता है बहुत सारे इवेंट जो है यहाँ पर होते हैं। ओके, और ये गेम्स जो है रेगुलेटेड है एशियन गेम्स फेडरेशन, जिसको हम कहते हैं एजीएफ के द्वारा। 1951 से ये खेले जा रहे हैं। ओके, और बहुत सारे हिस्ट्री के जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कब पहली बार खेले गए थे, भारत की क्या पोजीशन थी, भारत में कितने बार खेले जा चुके हैं, तो वो सारी चीजें भी यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये गेम्स जो है रिकॉग्नाइज हुए थे आईओसी के द्वारा, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब अगर बात आईओसी की आई है, तो आप यहां पर जो आईओसी कमेटी है, इसके प्रेसिडेंट का नाम आपको याद होना चाहिए, यह थॉमस बॉच। ठीक है, यह आप नोट कर लो, थॉमस बॉच। ठीक है, ये जो है प्रेसिडेंट है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। और ये जो इवेंट है ओलंपिक के बाद, इसको काफी बड़ा दर्जा दिया जाता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओलंपिक के बाद ये काफी बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स जो है इवेंट है। ओके, और जकार्ता आपको पता है कि ये इंडोनेशिया में दो जगह हो रहे हैं, एक है पेलेम्बेंग और दूसरा है जकार्ता। ठीक है, तो यहां पर ये 18वें एशियन गेम्स हैं। आपसे पूछा है कौन सा संस्करण है, तो ये है 18th संस्करण। ठीक है, 18वां वर्जन है ये इस एशियन गेम्स का। और ये रही मेडल टैली, टॉप 10 यहां पर रैंक है, जिसमें भारत की रैंक है वो है 8वीं पोजीशन। टोटल कुल मिलाकर भारत को 69 इतने मेडल यहां पर मिले हैं, और टॉप किया है चाइना ने। ठीक है, और 132 चाइना को गोल्ड मिले हैं, और इसमें टोटल जो मेडल हैं वो हैं 289 चाइना के। और भारत की अगर मेडल की बात करी जाए, तो 15 तो भारत को गोल्ड मिले हैं, जो 24 हैं वो हैं सिल्वर, और 30 जो है वो मिले हैं ब्रॉन्ज यहां पर। ओके, तो इस तरह मिलाकर हो जाता है 69 नंबर। और भारत की पोजीशन पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, 8th वाली। अब दोस्तों, ये जो 2018 के गेम्स हैं, अगर इसकी आप प्रीवियस डेज से कंपैरिजन करें, तो भारत ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले का जो रिकॉर्ड था वो 2010 में था, जो कि साउथ कोरिया में हुए थे। उसमें क्या था, भारत को 14 गोल्ड, 17 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज, इसके साथ में 65 मेडल मिले थे। लेकिन इस बार भारत ने 69 लाकर, जो अब 2018 का ये जकार्ता वाला जो गिना जाएगा, इसमें भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, और अब ये लिस्ट जो है टॉप पर यहां पर रहेगी। ओके, तो इतना आपने देख लिया। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि इस एडिशन के गेम्स में कब से कब तक हुए, 18 अगस्त से 2 सितंबर तक। ओके, और इंडोनेशिया में दो शहरों में हुए हैं, जकार्ता और पेलेम्बेंग में। ठीक है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज हैं इस गेम्स की, वो किस स्टेडियम में है, जकार्ता का एक स्टेडियम है जिसका नाम है गेलोरा वंगकर्नो। ठीक है, इस मेन स्टेडियम में ये हुआ है। और अगर इंडोनेशिया की बात की जाए, तो इसकी कैपिटल भी जकार्ता है, और यहां पर क्या चलता है, करेंसी चलती है इंडोनेशियन रुपया। ओके, और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, ये है जोको विडोडो। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में ये थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। आगे थोड़ा सा और बढ़े, मोटो अगर आपसे पूछा है कि जो 18वें एशियन गेम्स 2018 है, तो इसमें मोटो क्या है, मोटो है एनर्जी ऑफ एशिया। और मास्कट जो है वो है, मास्कट है यहां पर तीन। ओके, एक है विन विन, ये एक चिड़िया है जिसको हम कह सकते हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज। और एक है अटंग, ये एक डियर है जिसको हम बोलते हैं एवेवन डियर। और काका जो है ये एक राइनोसोरस है। ठीक है, एक सिंह वाला राइनोसोरस। तो ये तीनों जो है एम्बलम है, एक तरह से मास्केट है। यहां पर मैंने तीनों का फिगर भी दोस्तों बना रखा है। ओके, इसके बाद जो है, इसके बाद इन सबका महत्व भी अलग अलग है। जैसे कि जो विन विन है वो क्या है, ये स्ट्रेटजी को रिप्रेजेंट करता है। जो अटंग है ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, और जो काका है ये स्पेंड जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, और यहां पर 462 इवेंट्स 40 स्पोर्ट्स में थे, लगभग 10,000 लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया अलग अलग देशों से। और भारत की ओर से 572 एथलीट्स गए थे, जिसमें 36 स्पोर्ट्स इवेंट में उन्होंने अपना परचम दिखाया। काफी सारा भारत का जो योगदान है बहुत ही अच्छा है इस, अगर हम इस गेम की बात करें स्पोर्ट्स की। और कुछ हाईलाइट्स मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जैसे स्पोर्ट्स ऑफ ब्रिज,
स्पोर्ट्स ऑफ ब्रिज क्या है, जैसे जो ताश के पत्ते का गेम होता है उसको यहां पर रखा गया पहली बार, और इसमें भारत ने गोल्ड भी जीता। ये बहुत बड़ा दोस्तों अपने आप में कारनामा है। और जो ओपनिंग सेरेमनी है ओके, और क्लोजिंग सेरेमनी के जो गेम्स हैं वो मैंने बताया आपको ग्लोरा वंग, ठीक है, इस स्टेडियम में हुए। और जो जेवलिन थ्रोअर जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, ये फ्लैग वीरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। मतलब भारत की ओर से जो ओपनिंग सेरेमनी थी इसमें ध्वज भाग के तौर पर किनका नाम आएगा, जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। और रानी रामपाल, ठीक है, रानी रामपाल ये फ्लैग वीरर क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है, तो इनका यहां पर आप डिस्क्रिप्शन देख लो। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपको गोल्ड तो याद रखने हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं याद रखने हैं, बाकी जो ब्रॉन्ज और सिल्वर जिनको मिला है उनकी पूरी लिस्ट मैं आपको नीचे दे रहा हूं, जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें पूरा का पूरा लिस्ट होगी, आप वहां से जाकर अपनी कॉपी में एक एक करके नोट कर लें, ठीक है। कुछ मेजर जो हाईलाइट्स हैं उसमें क्या है कि पहली बार ई स्पोर्ट्स जो है और जो कैनो पोलो होता है इसको यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया गया, ठीक है, इसमें कोई मेडल नहीं था, केवल जैसे कोई भी आने वाले दिनों में जब ये होंगे एशियन गेम्स तो उसमें इनको दर्जा दिया जाएगा, उससे पहले इनका डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर कराया गया, ठीक है। ई स्पोर्ट्स जैसे कि वीडियो गेमिंग हो गया, ठीक है, तो इसको यहां पर देखा गया है और आने वाले दिनों में दोस्तों इसको लॉन्च किया जाएगा, जैसे 2022 के जो एशियन गेम्स होंगे उसमें मेडल इवेंट में इसको देखा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है ये, ओके। और एक होता है कैनो पोलो, ठीक है, जैसे वाटर पोलो जस्ट लाइक, ठीक है, तो वो होता है ये। और एक और हाईलाइट के तौर पर आप ये देख लें कि गोविंदन लक्ष्मण, ठीक है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि ये स्टेप्ड आउट कर गए थे, ठीक है। और एक पॉइंट यहां पर ये है कि जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA, इसने क्या किया कि जो खो खो है इस प्रतियोगिता को यहां पर कंसिडर किया है, ठीक है। ये भारत का जो है इंडिजीनियस, मतलब भारत में खेला जाना और भारत में ही बना स्पोर्ट्स है, ठीक है, इसको रिकॉग्निशन दिया गया। और एक पॉइंट यहां पर आप ये भी नोट कर लें, ल्यूसिया फ्रांसिसिया सुसी, ठीक है, ये रिटायर्ड इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने 18वां जो एशियन गेम्स है इसमें टॉर्च लाइट कैरेट के तौर पर इनको जाना जाएगा। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हो गए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जो भारत को मेडल मिले हैं वो कहां कहां से मिले हैं, एथलेटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, एथलेटिक्स में 7 गोल्ड मिले हैं ओके, और 10 जो हैं ये मिले हैं सिल्वर और 2 हैं ब्रॉन्ज, तो टोटल मिलाकर हो गए कितने, 19 मेडल ओके। इसी तरह से आप शूटिंग में देख लो 2 गोल्ड मिले हैं, अभी केवल बाकी गोल्ड की हम यहां पर बात करते हैं, रेसलिंग में 2 गोल्ड हैं और जो ब्रिज है इसमें 1 गोल्ड है और रोइंग है इसमें 1 गोल्ड है और टेनिस में 1 गोल्ड और बॉक्सिंग में 1 गोल्ड मिला है, ठीक है। टोटल कुल मिलाकर अभी हमने जो मेडल टैली बताई थी, ठीक है, तो उसमें 15 गोल्ड हैं और इनको आप लोग जो है बाकी रिमेनिंग कैटेगरीज हैं, स्क्वैश हैं, सेलिंग है, बैडमिंटन है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ कि कौन कौन सी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो ये एशियन गेम्स हैं इसमें जो भारत की ओर से यंगेस्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट हैं इनका क्या नाम है, सौरभ चौधरी, ठीक है, इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मिला और ये केवल 16 वर्ष के हैं। अगर पूरे के पूरे इवेंट की बात की जाए और इसमें जो है सबसे यंग तो ये है 12 साल, ठीक है, जिनका नाम है वंगा निमास, ठीक है, ये एशियन गेम्स में यंगेस्ट मेडलिस्ट हैं और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला इंडोनेशिया की स्केट बॉर्डर में, ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर नोट कर सकते हैं। आगे अगर मैं कुछ और हिस्ट्री के बेस पॉइंट आपको बताऊं तो फर्स्ट एशियन गेम्स जो है 1951 में हुए थे दिल्ली में, इसके बाद भारत में दोबारा हुए थे 1982 में। जब दिल्ली में हुए थे 1951 में तो जो भारत की पोजीशन थी वो आप देख लो, 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, इसके साथ 51 मेडल जो है भारत को उस टाइम पर मिले थे। तो भारत जो है कुछ ऐसी इवेंट है जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, एशियन गेम्स हो गया, इसमें भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहता है। 2022 के जो एशियन गेम्स हैं ये 19th होंगे और ये कहाँ पर होंगे, चाइना में होंगजो में खेले जाएंगे ओके। और 2014 के कहाँ पर हुए थे, इस इवेंट से पहले, जैसे इंडोनेशिया से पहले 2014 की अगर बात की जाए तो साउथ कोरिया इंचोन में थे और 2026 के ये है नागोया जापान में। अगर आपसे पूछा जाए कि 2026 के एशियन गेम्स जो हैं वो कहाँ पर खेले जाएंगे तो ये खेले जाएंगे नागोया जापान में ओके। और ये कौन सा वर्जन होगा, ये होगा 20th वाला, ठीक है, इतना समझ गए। अब यहां पर मैं एक चीज आपको और बताऊं कि जो सचिन नाग है ये इंडियन स्विमर है जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है इस
जो है कैटेगरी में, स्विमिंग कैटेगरी में भारत की ओर से पहली बार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कमलजीत संधू, ये फॉर्मर जो है वुमेन इंडियन है, एथलीट है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1970 में बैंकॉक में एशियन गेम्स में 400 मीटर रेस में, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसको भी आप लोग कैटेगरी बेस मान के चलो कि अगर आपसे हिस्ट्री पूछी जाए, ठीक है, कि अभी कौन से इंडियन है, ठीक है, जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है इस कैटेगरी में, और इससे पहले अगर वुमेन की बात करी जाए तो वो है कमलजीत सिंधु, जिन्होंने सबसे पहला जो 1970 बैंकॉक के एशियन गेम से 400 मीटर में जीता था। ओके, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा है कि मैक्सिमम जो है कितने टाइम्स एशियन गेम्स हुए हैं किस जगह पर, तो थाईलैंड में 4 बार हो चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको जो 10 थ्रिलिंग स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुए इस एशियन गेम्स में, उनको भी देख लो, जिसमें नाम क्या है, पेनेक्सलेट, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, ठीक है, मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है। और अगर आपसे कहा जाए रोलर्स स्पोर्ट्स, ठीक है, स्केटबोर्ड, ठीक है, तो ये भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। और बास्केटबॉल 3x3 है, और सैम्बो ये एक जो है मार्शल आर्ट की ब्रांच है, सोवियत यूनियन से लिया गया इसको, और उज्बेकिस्तान से भी एक मार्शल आर्ट है जिसको हम कहते हैं कुरश, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं, थ्रिलिंग स्पोर्ट हैं, जो एशियन गेम्स में आपको देखने को मिले। ओके, और जियोजित्सु ये भी एक वेल नोन मार्शल आर्ट है, ठीक है, जो कि जापान से ओरिजिनेटेड है, इसको यहाँ पर देखने को मिला। ब्रिज ये क्या है कि जो प्लेइंग कार्ड्स हैं 52, इनका गेम। और जेट्सकी ये वाला स्पोर्ट्स हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, ठीक है, और पैराग्लाइडिंग हो गया, तो इनको यहाँ पर देखने को मिला। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके गोल्ड से बनेंगे वो आप एक एक करके नोट करते जाओ यहाँ पर। तजिंदर पाल सिंह तूर, इनको मैन शॉटपुट में गोल्ड मिला है, ठीक है, ये जो गोला फेंक होता है ना उसको हम यहाँ पर कहते हैं जेवलिन थ्रो, जिसको हम भाला फेंक कहते हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड है, मंजीत सिंह मेंस 800 मीटर गोल्ड है इसमें, और अरपिंदर सिंह ये मेंस ट्रिपल जंप, इसमें इनको गोल्ड मिला है, और स्वप्न वर्मन ये वुमेन हेप्थलॉन में गोल्ड इनको मिला है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। अगर आपसे पूछा है कि वुमेन हेप्थलॉन में गोल्ड किसको मिला, तो ये मिला है स्वप्न वर्मन, ठीक है। आगे अगर आप ये देखोगे कि MR पूवम्मा, और ये है शेरटवेन गैकवार्ड, और हिमा दास, BK विस्मया, तो इनको वुमेन्स 4x400 जो रिले है इसमें गोल्ड मिला है। और अमित फंगल, ठीक है, इनको जो है दोस्तों ये मेंस लाइट फ्लाई 49 किलोग्राम इसमें गोल्ड मिला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। और आप ये भी यहाँ पर एक नोट कर लो, प्रणब वर्धन, ठीक है, और शिवनाथ सरकार, इनको मेंस पेयर ब्रिज में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये ब्रिज स्पोर्ट्स है, पेयर ब्रिज स्पोर्ट है, इसमें इनको जो है गोल्ड मिला है संयुक्त रूप से दोनों को, ठीक है। जिनसन जॉनसन को मेंस 1500 में गोल्ड मिला है, और स्वर्ण सिंह, दत्तू, बबन, ठीक है, ओम प्रकाश, सुखमजीत, ये मेंस क्वाड्रपल स्कल्स में इनको गोल्ड मिला है। और सौरभ चौधरी, अभी जैसे हमने बात की थी पिस्टल में, एयर पिस्टल 10 मीटर, इसमें गोल्ड इनको मिला। और एक है राही स्वर्णबद, ठीक है, ये वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड यहाँ पर मिला है इनको। रोहन बोपन्ना और दिविज, ये लॉन टेनिस में जो है मेंस डबल्स में इनको गोल्ड मिला है। और बजरंग पुनिया, ये है मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, इनको यहाँ पर गोल्ड मिला है। और विनेश फोगट, ये वुमेन्स फ्री स्टाइल, ठीक है, ये कुश्ती दोनों हैं, इसमें आप नोट कर लो। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे आ सकते हैं, जैसे भारत को कितने मेडल मिले ये पूछा आ सकता है, तो आप कहोगे 69, जिसमें 15 गोल्ड, सिल्वर 24 और 30 जो है ब्रॉन्ज हो गए। आपसे पूछा है कि जो मेंस हॉकी टीम है, ठीक है, इसको कौन सा मेडल के साथ में सेटल करना पड़ा, ये है ब्रॉन्ज। और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम जो है इसको सिल्वर मिला, ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा यहाँ पर बना है फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसको कि गोल्ड मेडल मिला है शूटिंग में एशियन गेम्स 2018 में, तो राही सरावत जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, तो इनको गोल्ड मिला है। और नेक्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर खेले जाएंगे, 2022 के होंगे ये, चाइना में, तो जो क्वेश्चन हमने बताए उनके ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप फटाफट आंसर दे लोगे, जैसे व्हाट इज़ द ऑफिशियल मस्कट ऑफ एशियन गेम्स, ठीक है, तो ये तीन है, विन विन, अटंग और काका, ठीक है, तीनों का अलग अलग मीनिंग भी मैंने यहाँ पर आपको बताया। आगे आप देखो कि मोटो क्या था, ये था एनर्जी ऑफ एशिया, तो जो डिटेल पढ़ चुके हैं उससे क्वेश्चन अब हो जाएंगे आसान। मेंस ट्रिपल जंप में जो है गोल्ड अरपिंदर सिंह को मिला, साइना नेहवाल
को कौन सा मेडल मिला, यहाँ पर ब्रॉन्ज मिला वुमेन सिंगल बैडमिंटन में, और कितने कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेटेड किया, 45 कंट्रीज थी इस गेम में, और हाउ मेनी इंडियन पार्टिसिपेटेड, ठीक है, 572 इंडियन, 36 स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये एक बार आप विकीपीडिया पर भी देख सकते हो, वहां पर बिल्कुल ए टू जेड अपडेटेड आपको मिलेगा। ओके, आगे अगर हम कहें कि हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया इन एशियन 2018, तो यह है बजरंग पुनिया, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि वो कौन सा कंट्रीज ने टॉप किया, तो चाइना 289 के साथ टॉप किया इसने, जिसको सबसे ज़्यादा 132 गोल्ड, सिल्वर 92 और ब्रॉन्ज जो है 65 है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा कि भारत की ओर से जो ओपनिंग सेरेमनी है इसमें फ्लैग बेयर ध्वजवाहक के तौर पर किसको देखा गया, नीरज चोपड़ा। और अगर आपसे ये पूछा है कि वो कौन सा भारतीय स्पोर्ट्स है जिसको कंसिडर किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के तौर पर, OCA निके द्वारा, तो यह है खो खो। और हु बिकेम द ओल्डेस्ट मैन इन इंडियन कॉन्टिनेंट टू विन द मेडल इन एशियन गेम्स, तो यह प्रणब वर्धन, 60 साल की उम्र में इनको मेडल मिला है। तो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। ओके, और यंगेस्ट एवर गोल्ड मेडलिस्ट की बात की जाए तो सौरभ चौधरी पिस्टल में, और इंडियन वुमेन टू विन द गोल्ड इन रेसलिंग, तो यह है बिनेश फोगट, ठीक है। और आगे अगर पूछा है हु वॉन द सिल्वर एट एशियन गेम्स 2018, ठीक है, सिंगल इवेंट जो बैडमिंटन है, पीवी सिंधु। ओके, अब यहाँ पर तीन क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपके लिए, जैसे सिल्वर मेडल जो 400 मीटर रेस में भारत के लिए मिला तो किसको, हिमा दास उड़ीसा से, और गोल्ड मेंस जेवलिन थ्रो में, तो ये है नीरज चोपड़ा, और हु वॉन द गोल्ड इन मेंस लाइट फ्लाई 49 kg बॉक्सिंग फॉर इंडिया, तो ये है अमित फंगल, ठीक है। तो यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, और आप थोड़ी सी और हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको और भी कुछ मिल जाएंगे। बाकी जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और जो कमेंट बॉक्स है, इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, उस पूरी लिस्ट को आप देख लो, फिर ऑलमोस्ट आपका जो सिल्वर ब्रॉन्ज है वो भी यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, आई होप शॉर्ट टाइम में इतनी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लिए इनफ है। थोड़ा आप लोग भी खुद से सर्च करो और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आपके जो भी क्वेश्चंस डाउट्स हैं वो नीचे आप डिस्कस करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, थैंक यू, हैव अ गुड डे।